खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी यार? सिंपल है, पिक्चर वो तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का बात किसी के चल तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सलमान आपको बड़ा बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बना। मूविंग बैक टू एंटरटेनमेंट, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट हु इज द सॉर्ट ऑफ यंगस्टर, मेल और फीमेल, दैट आई थिंक यू थिंक विल बी द लंबी रेस का घोड़ा? एनीबडी दैट सॉर्ट ऑफ यू थिंक इज एक्सेप्शनल? नाम लो कौन कौन है। All these guys are really good, really talented, very talented. All of them are really hard working. They're all very focused. But the five of us are not going to give it up so easy. A five mein kaun hai? Shahrukh, Aamir, me, Aki, Ajay. We'll make them run for their money. We'll tire them out. हम लोग की पिक्चर चलती है, हम प्राइस बढ़ाते हैं और वो उसके चक्कर में जब हमें नहीं मिलता तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। क्यों भाई? एंड आई बीन हियरिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही। खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी यार? सिंपल है, पिक्चर वो बनाओ। अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुगले आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, यू नो, बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है क्योंकि आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, वो पिक्चर चलती नहीं है। हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट। और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का बात किसी के चल तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सलमान आपको बड़ा बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बना और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है। सलमान आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही पोलाइटली और फॉर्मली बता रहे हैं बिकॉज मुझे उन्होंने अपने यूनिक अंदाज में यही स्टोरी सुनाई थी। तो 21 तारीख को रिलीज हो रही है किसी का भाई किसी की जान, ये मटेरियल रख लेना भाई, शायद काम आए। फिल्मफेयर के फंक्शन में बड़ा बड़ा बोल रहा था कि कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने क्या बनाया है। ट्रूथ इज हमने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर के ऊपर और हर एक कोई करता है, लेकिन अब जैसे कि ये कुछ पिक्चरें चली हैं अब जाके वापस से, क्योंकि वो हमारी हिंदुस्तानी फिल्में हैं, जो पिक्चर चली है वो हमारा कंटेंट है, वो 30-40 लोग फैमिली के देखने जाते हैं वो फिल्में। एक ऐसी फिल्म जो कि इतना पैसा खर्च करो और फिर उसके अंदर एक इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, यू नो, तो वो नहीं चलती। और आजकल टिकट प्राइसेस भी इतनी महंगी हो गई हैं कि यू वॉन्ट टू गो एंड सी लाइक अ बिग लार्ज फेस्टिव फिल्म जिसमें इमोशन हो, ड्रामा हो, गाने अच्छे हो। बाय द वे किसी का भाई किसी की जान के गाने सुने आपने? है ना अब ट्रेलर भी आएगा, हाँ उसके बाद 21 तारीख को फिल्म भी आएगी। तो बेसिकली अब कब है फिल्म फेयर? 27 को, तो 21 को किसी का भाई किसी की जान रिलीज है, 24 को मैं कुछ और कर रहा हूँ, 27 को ये है फिल्म फेयर। तो आप सब वहीं पर मिलोगे मुझे, और जिस अंदाज से अभी ये होस्ट किया है वैसे ही फिल्म फेयर भी होस्ट होगा।
आई होप यू गाइस एंजॉय इट. बस और कुछ किसी को और कुछ किसी को पूछना है?